नजर आता है। आइए अब इसको मैं एक छोटा सा खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन ताकि आप लोग समझ जाइए कैसा होता है, खाली समझाने के लिए। वैसे आप साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज नेट वगैरह भी देख सकते हैं, मैं खाली एक एक एकदम बिल्कुल सादे और मोटे अंदाज में जिसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहरहाल ये चीज़ कैसी होती, हम जो है तीन बॉल्स के जरिए इस चीज़ को बहरहाल समझेंगे। तो बहरहाल सूरज, इसकी अपनी रोशनी है, ये हो गया आपका अर्थ, ये दुनिया होगी, ठीक है। अब समझ लीजिए हम सोलार एक्लिप्स देख रहे हैं, मतलब सूरज ग्रहण देख रहे हैं या सूरज ग्रहण देख रहे हैं, ठीक है। ग्रहण उर्दू में बोलते हैं और ग्रहण संस्कृत में बोलते हैं बहरहाल, लेकिन उर्दू में दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक। तो हम सूरज की एक मिसाल ले रहे हैं कि सूरज ग्रहण हो रहा है, समझ लीजिए। तो होता क्या है सूरज ग्रहण के अंदर, देखिए ये दुनिया है और ये सूरज है। तो अब साइंटिफिकली क्या होता है, चांद जो दुनिया सूरज के अतराफ भी घूम रही है और चांद दुनिया के अतराफ घूम रहा है, और ये दोनों मिलकर घूमते रहते हैं, ये इधर घूमते रहता है और ये पूरा घूमते रहता है, समझे आप। ये यूं भी घूमता है और ये दुनिया इधर भी घूम रही है और ये साथ में घूमता है, अल्लाह आलम। तो आप समझ लीजिए एक पोजीशन पे आ गए हम और ये चांद है, ठीक है, ये आपकी दुनिया ही है। अब क्या हो गया कि घूमते घूमते चांद जो है सामने आ गया, देखिए इसके दुनिया के और सूरज के, देखिए ये सूरज है और ये चांद है, सामने आ गया। नतीजा क्या होता है, सूरज की सीधी शुआएं रोशनी जो दुनिया पे पड़ना चाहिए वो आके चांद की वजह से क्या होती है, रुक जाती है। और जब ये चांद के साए में जितने लोग हैं उनके लिए सूरज क्या हो गया, छुपता हुआ नजर आता है, मतलब ढकता हुआ। अब ये मुख्तलिफ थोड़ा छुपाएंगा ज़्यादा छुपाएंगा, अब आप एक सवाल हो सकता है, सूरज तो बहुत बड़ा है चांद तो बहुत छोटा है, फिर कैसा छुपा सकता है। एक्चुअली सूरज चांद से बहुत 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 दूर है, तो एक वक्त में वो इतना ज़्यादा दूर है कि दोनों एक साइज़ के लगते हैं हमको। देखिए आप चांद अगर डूब रहा है और सूरज निकल रहा है, कभी फुल मून जब होता है ना, जब आप सनसेट देखिए और मून राइज देखिए, मतलब चांद निकलता है सूरज डूबता है, दोनों एक साइज़ के दिखते हैं। वजह क्या, एक साइज के दिखने के, जो बहुत दूर है, लेकिन मिसाल के लिए मैं नजदीक रख के बता रहा हूँ, लेकिन बहुत दूर है, तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जितना सामने आएगा पूरा आ गया, कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा आएगा पार्शल होगा, ठीक है, या फिर ऐसा बीच में आएगा कि उसके अतराफ से पूरी रिंग नजर आएंगी सूरज की, तो एनुलर हो जाएगा। तो ये हो गया सूरज ग्रहण, ठीक है।